जब तक इस देश में ईवीएम, आप इस बात को समझे, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब तक इस देश में वोट का माध्यम ईवीएम है, तो चाहे कितने भी रोजगार वो जो बेरोजगार युवा हैं, कितना भी यूथ अगेंस्ट हो जाए, मोदी सरकार को कोई नहीं हरा सकेगा। इस बात को समझना चाहिए, इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। तो आज का जो बेरोजगार दिवस जो इस देश के सभी बेरोजगार मना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, जिसकी तरफ देश का जो युवा है, देश का जो बेरोजगार युवा है, वो ध्यान आपका आकर्षित कर रहा है। और मैं समझता हूँ, हालांकि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनसे कुछ भी कहना बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो ये साथी हैं, ये बेरोजगार दिवस मना के सभी सरकार का, विपक्ष का और विशेषकर प्रधानमंत्री का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि ये समस्या बड़ी भयानक है, इस समस्या का समाधान होना बहुत ज़रूरी है। आप एक चीज़ थोड़ा सा देखें, इसको कैसे समझ में आएगा। माना एक व्यक्ति, उसको रोजगार मिला हुआ है, उसकी रोजी रोटी ठीक ठाक से चल रही है, तो उससे कई फायदे इस तरह के हैं कि एक व्यक्ति अपने रोजगार में व्यस्त है, देश की तरक्की में व्यस्त है, अपने परिवार और अपने समाज की तरक्की में लगा हुआ है, अपने जो बच्चे हैं उनको पालने में लगा हुआ है, अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ है, तो स्वाभाविक है उसका ध्यान और दूसरी तरफ बेकार की जो बातें होती हैं उनकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो बेरोजगार व्यक्ति है, और वो बेरोजगारी जिस तरह से इस देश में लगातार बढ़ती जा रही है, और मैं समझता हूँ आज के हालत में 15 करोड़ से कहीं ज़्यादा बेरोजगार युवक घूम रहे हैं लगातार, और हर साल करोड़ों बेरोजगारों की उसमें वृद्धि होती चली जा रही है, और ये जो सरकार है, इस सरकार ने जिस तरह से बेरोजगारी को और बढ़ाया है और भयानक स्थिति में पहुंचा दिया है, क्योंकि ये सरकार एक तरफ तो जो खाली पद पड़े हैं सरकार में, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लगभग 1,25,00,000 खाली पद, अप्रूव्ड पद पड़े हैं, एक तो उन्हें नहीं भर रही, दूसरा ये हो रहा है कि जो लोग रिटायर हो रहे हैं उस रिटायरमेंट के बाद में वो जगह जो खाली हो जा रही है उनको भी नहीं भर रही है, और नई भर्ती होने का कोई मतलब नहीं है। इस पे दूसरी और चीज़ें जो चल रही हैं वो आप देखें कि केंद्र सरकार ये और कह रही है कि भाई 50 और 55 साल की उम्र में, या जिन्होंने 25-30 साल की जो नौकरी कर रखी है उनको हम रिटायर करेंगे, उनको VRS वगैरह वो देंगे। और इसी संदर्भ में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि अगले मतलब कुछ समय में 30,000 लोगों को वो अपने यहाँ से छटनी करेगा। ठीक इसी तरह से अगर दूसरे हम वो देखें जो रेलवे में है, रेलवे में जो बयान आ रहा है उसमें स्थिति ये है कि जो रेलवे की 50% जो वो है संख्या है रोजगारों की, वो 50% जो बिल्कुल उनको ख़त्म किया जाएगा, यानी 50% रोजगार रेलवे से ख़त्म किए जाएंगे। तो एक तरफ पीयूष गोयल ने 2019 में कहा कि 4,00,000 भर्तियां तो रेलवे में ही हो सकती हैं, और हकीकत अब ये है कि वो 4,00,000 तो गई भाड़ में, अब जो है जो हैं ऑलरेडी उसमें, उनमें से भी 6,00,000 जो हैं, वो 6,00,000 जो नौकरियाँ हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे स्थिति बड़ी भयानक हो रही है, और नतीजा आप ये देखें कि लॉकडाउन में जिस तरह से 12 करोड़ नौकरियां गई, और उसके बाद में जब लॉकडाउन ये खुला, लॉकडाउन खत्म हुआ, तो कुछ नौकरियां वापस आई, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे स्थिति हो रही है, जो सैलरीड क्लास के लोग हैं उनकी 2,10,00,000 नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं, जो और जाने वाली हैं। तो इन स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति है। और जब इस व्यक्ति के पास में रोजगार नहीं है, मेहनत करने के बावजूद भी, पढ़ने लिखने के बावजूद भी 4-4 साल तक में जो पोस्टें निकली है वो भरी नहीं जा रही हैं, तो क्या बुरा हाल है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे में क्या होगा व्यक्ति, कि व्यक्ति जब इतना परेशान हो जाता है तो वो दो तरफ भागता है, या तो जो कमजोर व्यक्ति होगा वो आत्महत्या की तरफ भागता है, और शायद इसी का बड़ा नतीजा है जो आप देख रहे हैं, देश में हर दिन 381 जो NCRB का जो डाटा है उसके हिसाब से 381 जो आत्महत्या है हमारे देश में लगातार हो रही। दूसरा, अगर व्यक्ति इस तरफ नहीं जाएगा तो व्यक्ति जाता है फिर गलत कामों की तरफ, तो चोरी डकैती उस तरफ जाएगा। तो बेरोजगारी का मतलब यह है कि देश के हालात हर तरह से बस से बदतर होने हैं, और उस स्थिति में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो भी बढ़ेगी, चोरी चकारी लूट डकैती ये सब कुछ, कत्ल ये सब कुछ बढ़ेगा। इसके लिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। और आज जो बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है,
जो करोड़ों बेरोजगार मना रहे हैं वो इसी तरफ ध्यान केंद्रित करने की या आकर्षित करने की स्थिति है कि भाई इस समस्या को समझो, ये बड़ी भयानक समस्या है, नहीं तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। अगर बेरोजगार परेशान नहीं होते या युवा इस देश का परेशान नहीं होता तो मोदी जी के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस क्यों मनाता? आप इसी को समझने, केवल एक ही बात समझने को काफी है, अगर प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस भारत में मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, तो आप स्थिति की गंभीरता को समझ सकते हैं। और इसमें केवल वही नहीं है, इस समय वो भक्त भी शामिल हैं जो भक्त कल तक बीजेपी का गुणगान करते थे, उसका झंडा उठा के चलते थे और उनकी जो जय जयकार करते थे, मोदी जी की जय जयकार करते थे, वो सारे भक्त शामिल हैं। और ये आप सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उससे ट्रेंड से आप पता लगा सकते हैं, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे आपका व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी माध्यम है उन सब पे आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा। और जिस तरह से लगातार मोदी जी का विरोध बढ़ता चला जा रहा है उससे युवाओं के अंदर जो गुस्सा है वो आपको नजर आ जाएगा। हम लोग आज, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी और हम जो सारे लोग हैं, आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूँ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार जी जो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और मध्य प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं, आदरणीय हिजम राजन सिंह साहब जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, हम सब लोग उस स्थिति में जो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा, हम उन सभी भारत के जो बेरोजगार युवा हैं हम उनके साथ में हैं, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ में हैं। तो विरोध आपको सब नजर आ रहा है पूरे देश। जब तक इस देश में ईवीएम, आप इस बात को समझे, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जब तक इस देश में वोट का माध्यम ईवीएम है तो चाहे कितने भी रोजगार वो जो बेरोजगार युवा हैं, कितना भी यूथ अगेंस्ट हो जाए, मोदी सरकार को कोई नहीं हरा सकेगा। इस बात को समझना चाहिए, इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए। ना तो 2014 की तो मैं बात कहता नहीं हूं, लेकिन 2019 में बहुत जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार के विरोध में लोग थे, किसी हालत में मोदी सरकार के लोग साथ में नहीं थे, उस सब के बावजूद भी जितनी बड़ी उनकी जीत हुई वो बहुत साफ साफ है। और जो आंकड़ा इलेक्शन कमीशन से निकल गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि 373 लोकसभा सीटों पर जो वोटें जितनी पड़ी हैं उससे ज्यादा वोटें निकल रही हैं, तो उसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। और इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह का आंकड़ा देने को तैयार नहीं है, तो उससे यह है कि रोज इनकी युवाओं की वोट मिले ना मिले, जनता की वोट मिले ना मिले, उनके पास ईवीएम है और ईवीएम से वो जीत के बड़े आराम से आ जाते हैं और आते रहेंगे जब तक कि ईवीएम खत्म नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से जितने भी इस देश के लोग हैं, विशेषकर जो युवा हैं, उन सबसे भी ये निवेदन करता हूं, बेरोजगार दिवस के साथ साथ आप ईवीएम के विरोध में भी खुल के खड़ा होइए, क्योंकि ईवीएम अगर है तो आपके विरोध का कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी करते रहिए मोदी सरकार को आप नहीं हटा पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। लेकिन अगर ईवीएम इस देश से हट गया तो निश्चित रूप से मोदी सरकार मुंह के बल नीचे गिरेगी, ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, बिल्कुल ये रेत के जो टीले की तरह बिल्कुल सफाया इसका हो जाएगा अगर ईवीएम हट जाती है। तो बेरोजगार जो है निश्चित रूप से भयानक गुस्से में है, इस देश का युवा बड़े जबरदस्त विरोध में है और वो विरोध सामने आ रहा है, पर इसके साथ साथ ईवीएम को भी हटाना बहुत जरूरी है। और हम लोग लगातार, हम जब से काम कर रहे हैं हम लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे पूरे देश में वो साथ भी ईवीएम के विरोध में लोग हमारे साथ खड़े होते चले जा रहे हैं, ये करना बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पूरे देश में जो बेरोजगार युवा हैं उनकी दिक्कतों के साथ में है, उनके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर खड़ी है और उनकी दिक्कतें दूर हों इसके लिए काम लगातार कर रही है कि किस तरह से उनकी दिक्कतें दूर हों, किस तरह से उनकी आवाज उठाई जाए और ये आवाज सरकार के कानों तक, विपक्ष तक और पूरे देश और दुनिया तक पहुंचे। नहीं देखिए, वो एक और भयानक स्थिति है, उससे केवल बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं, उसमें तो और कानूनी जो है मतलब एक पेच फंसा है जिसको लोगों को समझना चाहिए। और मैं समझता हूं आज के दिन पर जो बेरोजगार लोग हैं उनको ये सारी चीज समझनी चाहिए कि एक सरकार वो सरकारी नौकरियां बंद करके, एक प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियां बंद करके उत्तर प्रदेश की, और वो संविदा पर लोगों को रख रही है। तो संविदा पर होता क्या है, संविदा का एक बहुत सीधा है कि एक तो जिनको आप चाहते हैं उनको रखेंगे और बीच में जो ठेकेदार हैं मोटी दलाली खाने के लिए वो ठेकेदार जो बीच में आ जाते हैं
होता क्या है, माने किसी विभाग में आप रख रहे हैं, उस विभाग में जो उनको तनख्वाह मिलती है, माना उसके लिए एंटाइटल है कि वो 40,000 रुपए उसको मिलने हैं, लेकिन जब ठेकेदार बीच में आ जाते हैं तो वहां से तो 40,000 आएंगे उसके, पर उसको दिए जाएंगे मात्र 10,000-15,000, बाकी सारे जो है वो ठेकेदार के हाथ में जाएंगे, और ठेकेदार और सरकार में जो बैठे हैं सब लोग ये मिल बैठ के खाएंगे उसको। दूसरा, इस सरकार को इसने 5 साल के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने 5 साल के लिए नौकरियां बंद करी। आप एक सवाल पूछा जाए कि आप कैसे कर सकते हैं, आप 2017 में चुन के आए, आप 2020 है, 3.25 साल खत्म हो गए, 2.25 साल आपके रह गए, ज्यादा से ज्यादा अगर कोई आदेश आप पारित कर सकते हैं तो वो इस 2.25 साल के लिए कर सकते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा मई 2022 तक के लिए आप ये कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते आप, आपको कानूनी अधिकार नहीं है। तो कैसे 5 साल के लिए नौकरी आप बंद कर रहे हो और संविधान पे लोगों को रखने की बात कैसे कर रहे हो आप, तो पूरी तरह से गैर कानूनी है और पूरी तरह से मैं कहूं कि गुंडागर्दी है, संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली बात है। लोगों को, बेरोजगारों को इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका असर जो पड़ेगा वो बेरोजगारों पर ही पड़ेगा, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि योगी सरकार मोदी सरकार से भी कहीं ज्यादा गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। इसका एक उदाहरण अगर आप देख रहे हैं तो जिस तरह से एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की बात की गई है वो सभी इसी श्रृंखला में है कि आपने बना लिया और आपने उसको अधिकार दे दिए कि किसी के भी घर में घुस सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट के, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, और बिना इसमें कोई भी कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो फिर एनएसए क्या है, आपने क्यों कर रखा है एनएसए, फिर यूएपीए जो है, मतलब आप उससे भी अलग हटके, तो ये क्या है, ये गुंडे राज के अलावा कुछ और दूसरी कोई बात है ना। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, सरकारें जिस तरह गुंडागर्दी पर ये बीजेपी सरकार उतरी हुई है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की सरकार हो, और युवाओं को जिस तरह से इन्होंने पूरी तरह से बेरोजगार और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, वो बड़ी भयानक स्थिति है। आपको ध्यान है भ्रष्टाचार को लेकर एक आंदोलन रामलीला मैदान में हुआ था 2014 से पहले, ये अन्ना के जो आंदोलन से पहले, आपको ध्यान होगा उसमें कौन लोग शामिल थे, दो लोग शामिल थे, अन्ना हजारे और लाला रामदेव, ये दोनों लोग उसमें शामिल थे। उसके बाद क्या हुआ, अन्ना हजारे जो उसको लेके चलने लगे, जो लोकपाल को लेके, और यूपीए सरकार के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूंक दिया, उसको पूरी सपोर्ट कहां से मिल रही थी, आप सब जानते हैं कि उस आंदोलन को पूरी जो सपोर्ट मिली वो बीजेपी और आरएसएस से मिली, आदमी भी उन्हीं के थे, पैसा भी उन्हीं का था और मीडिया भी उन्हीं का था। ये उसी समय समझना चाहिए था। हमसे कई लोगों ने कहा कि भी आप भी, आपको भी जाना चाहिए वहां पर अन्ना हजारे के आंदोलन में, इस तरह की सारी स्थिति हो रही है और आपको खड़े होना चाहिए साथ में। मैंने तभी लोगों से कहा था आप अभी समझ नहीं रहे हैं ये किसकी तरफ से आया है, ये कहां से ये घोड़ा जो है चलाया गया है, घोड़ा कहो या खच्चर कहो जिसे, ये किसकी तरफ से चलाया गया। ये व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति है, आरएसएस का प्रायोजित है, सारा फंडिंग वहां से हो रही है, सारी सपोर्ट वहां से मिल रही है, और ये पूरी प्लानिंग के तहत यूपीए सरकार को या कांग्रेस सरकार को हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो इसमें कोई बात नहीं, प्रशांत जी आज कह रहे हैं, हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि ये उनका आदमी है, और केवल वो नहीं, लाला रामदेव को सब जानते हैं। लाला रामदेव दूसरी तरफ चला गया कि विदेशों से काला धन आना है, वो उसमें सपोर्ट करने लगा, थे दोनों के दोनों एक ही मंच पे, एक ही द्वारा, क्योंकि वो जो मूवमेंट था रामलीला मैदान का वो भी आरएसएस का था, बाद में ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन ये सब कुछ चाल आरएसएस की थी। ये बहुत लोग इस बात को जानते हैं, अफसोस कि अब वो लोग इस बात को कहने लगे हैं, बहुत पहले से था कि आरएसएस की इसके पीछे है और आरएसएस ने ही ये सारा सब कुछ किया। और मैंने ये जो अभी 2019 का चुनाव दिल्ली का हुआ है, इस चुनाव में भी मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, 2020 का जो चुनाव दिल्ली का हुआ, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि जिस केजरीवाल की बात आप कर रहे हैं, ये केजरीवाल आरएसएस का एजेंट है, बीजेपी की सेकंड टीम है, ये बी टीम है, हालांकि कहते रहे लोग, कहते रहे इसको कांग्रेस की टीम है, लेकिन कांग्रेस की नहीं, वो बीजेपी की बी टीम थी और आरएसएस का एजेंट था। और अब बिल्कुल क्लियर आपके सामने आ गया 2000 के इसके 20 के चुनाव के बाद, और उसके बाद जो दिल्ली दंगे हुए उसमें सारा उसका चेहरा बिल्कुल नंगा हो गया, और इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रशांत भूषण जी का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत पहले से यह था कि वो आरएसएस का आदमी है और ये केजरीवाल भी आरएसएस का आदमी है। और अभी आपको बता रहा हूं, और इस चीज को आप ध्यान दें, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन आपको बता दे रहा हूं, बिहार चुनाव जो हो रहा है, बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से आरएसएस की तरफ से 3 घोड़े छोड़े गए हैं, घोड़े कहो या कुछ भी कहो,
तीन लोगों को छोड़ा गया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लोग इसको अपने आप ही आकलन करें कौन कौन है। तीन लोग हैं जो बीजेपी की मदद करने के लिए अलग अलग वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में जो बिहार की जो सत्ता है वो किसी भी हालत में ओबीसी के हाथ में नहीं जानी चाहिए या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित लोग हैं इनके हाथ में नहीं जानी चाहिए, चाहे घूम फिर के कैसे भी हो वो जनरल समाज के हाथ में आनी चाहिए, सवर्णों के हाथ में आनी चाहिए। ये चाल पूरी तरह से वहां को चली जा रही है। तो तीन लोगों को बिहार चुनाव में छोड़ा हुआ है, आकलन आप कर लीजिए, वक्त आएगा मैं नाम भी बताऊंगा, अभी नहीं।